देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आज का दिन यानी 25 सितंबर इतिहास के पन्नों में काफी अहमियत रखता है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। वर्ष 1916 में आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा में हुआ था। उन्होंने देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी और कहा कि दुनिया को पूंजीवाद या साम्यवाद नहीं बल्कि मानववाद की जरूरत है। दीनदयाल उपाध्याय का ये भी कहना था कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। वो राजनेता होने के साथ साथ एक पत्रकार और लेखक भी थे। उन्होंने RSS द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका पंचजन्य की नींव रखी थी। इस पत्रिका के पहले संपादक देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज उनकी जयंती पर टनकपुर में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष दीपचंद्र पाठक और विधायक प्रतिनिधि विजेंद्र अग्रवाल समेत समस्त कार्यकर्ता के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म उत्सव मनाया गया। लेकिन ये जन्म उत्सव कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सादगी के साथ मनाया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करते हुए नमन किया। आपको पता हो कि भारत की राजनीति आज जिस स्तर पर है उसे बनाने के पीछे कई महान लोगों का योगदान रहा है और इन्हीं महान लोगों में से एक दीनदयाल उपाध्याय जी भी थे, जिन्होंने हमारे देश को एक मजबूत राजनीतिक पार्टी देने का कार्य किया। जन्म हुआ और 11 फरवरी 1968 को आपने देह त्याग दी और इतने 57 साल के छोटे से कार्य अपने कार्यकाल में समय में आपने बहुत लंबे कार्य किए और आपके अनुभव से हम संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को प्रेरणा मिलती है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बरगद के पेड़ के समान जिसको आप देख रहे हैं, इसका एक पहले ये जनसंघ के रूप में एक छोटा सा पौधा हुआ करता था जिसको सींचने का कार्य आपने किया और आपके द्वारा ये सींचा गया जनसंघ रूपी पौधा आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में विशाल वट का रूप ले चुका है। और हम समस्त लोग आपके नीतियों पे आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए संपूर्ण भारत को शांति और एकता का संदेश दे रहे हैं। धन्यवाद। संस्थापक रहे और जनसंघ से लेकर आज 2020 तक की जो भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष लगा उनके द्वारा इसको सीखा गया, इसको आगे बढ़ाया गया। एकात्म मानववाद दर्शन को लेकर उनका विशेष सबसे बड़ा विषय था, एकात्म मानववाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ बना और आज वह निरंतर अंतिम व्यक्ति पर कार्य करने का काम मोदी जी के और अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व में कर रहा है। आज हमारी संगठन की रूपरेखा के तहत ये कार्यक्रम हमारा द्वारा बूथों तक करने वाला कार्यक्रम है। प्रत्येक बूथ पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 321 बूथ हमारे चंपावत में है, 321 बूथों पर यह कार्यक्रम किया जाना है और सब कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और उत्साह है। परंतु हमारे बीच कल परसों आपने सुना होगा कि कल हमारे श्रीमान उनेठा जी जो पूर्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो जनसंघ के समय के जो कार्यकर्ता कहते हैं उस समय के कार्यकर्ता जनसंघ के समय से वो थे, तो उनके उस पर हमने यहाँ पर मौन भी किया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सादगी के साथ और सेवा कार्यों के साथ इस कार्यक्रम को हम लोगों ने किया है और पूरे जिले में एक हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। नाम दीपचंद्र पाठक, जिला अध्यक्ष जनता पार्टी चंपावत। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।